धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया है। हालांकि वो अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप टीम की कप्तानी करेंगे। इस बीच महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया के अगले कप्तान और उप कप्तान को लेकर नाम सुझाए है। उन्होंने कहा कि भारत को अगले साल भी T20 वर्ल्ड कप खेलना है, ऐसे में अधिक कप्तान बदलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सुनील गावस्कर ने कहा कि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को अगले दोनों T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का कप्तान बना देना चाहिए। आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप एक साल के भीतर ही होने हैं। अभी UAE और ओमान में एक महीने में ही T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा, फिर दूसरा अब से ठीक एक साल बाद। स्पष्ट रूप से आप इस दौरान बहुत सारे कप्तान नहीं बदलना चाहते। रोहित शर्मा निश्चित रूप से भारतीय कप्तानी के लिए मेरी पहली पसंद हो गए। साथ ही सुनील गावस्कर ने कहा कि फिर मैं उप कप्तान के लिए के राहुल को देख रहा हूँ। मैं ऋषभ पंत के नाम पर भी विचार करूंगा, क्योंकि वह जिस तरह से स्टार खिलाड़ियों से बड़ी दिल्ली की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, वह वास्तव में प्रभावशाली है। एनरिक नोकिया और कगिसो रबाडा जैसे खिलाड़ियों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए वो T20 फॉर्मेट में गेंदबाजी में बदलाव कर रहे हैं, जो वास्तव में एक स्मार्ट कप्तानी दिखाता है। आप हमेशा एक ऐसे ही कप्तान चाहते हो जो परिस्थितियों को पढ़ सके और तुरंत उस पर काम करे। तो हाँ, राहुल और पंत दो लोग हैं जिन्हें मैं उप कप्तान के रूप में देखता हूँ।